रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी हो रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं रोगी रोगी मैं हो गई रोगी हमें क्यों बताएगी ये डिटेल तो किसी उस अगले लड़के को बताएगी जिसके रिश्ते के लिए आने वाला है आई होप कि इसके बाद कोई रिश्ता आए किसी बदबخت ने झूठ बोला है आपसे बदबخت ने नहीं मेहमत साहब परीसा ने अपने मुंह से बताया है कि उन दोनों के बीच चल क्या रहा है छिन गया चैन जो मुझसे वही बेचैन करे दिल मेरा रोए मुसलसल मेरी जान बैन करे ओहो मेरी जान बैन करे चुप ये रुदाली कब होगी भाई ये देखें ये तो बिल्कुल दीपिका लग रही है ना देखिए मम्मी और ये देखें ये तो पूरी मॉडल है अच्छा अच्छा वो छोड़ें दोनों को ये देखें इसकी तो हाइट इतनी अच्छी है भाई आपके साथ इतनी प्यारी लगेगी ये आई हाय छोड़ तू इसे अरे वो वाली लड़की दिखाना वो जो मेहंदी में डांस कर रही थी उसको हाँ अच्छा वो याद दिलाया आपने अम्मी भाई ये देखें इतना प्यारा डांस करती है मुझे ये इतनी अच्छी यार क्या कर रहे हैं आप लोग किसी फिल्म या ड्रामे की कास्टिंग चल रही है या मेरे लिए बीवी की तलाश अरे तेरे लिए को मैं ऐसी वैसी लड़की थोड़ी लेकर आऊंगी है अरे मैं तो ऐसी लड़की लाऊंगी जो मेरे शहजादे के साथ जचे सजे तेरे साथ ऐसी ढूंढूंगी मैं तेरे लिए लड़की अम्मी जान आप कोई ऐसी लड़की ढूंढिए जो आपके साथ सजे इस घर के साथ इस घर के कामों के साथ सजे मैंने अपने साथ सजा के कोई फोटो सेशन थोड़ी करवाना है रोज अरे उसने कौन सा यहाँ पर आकर मेरे साथ रहना है है तेरे लिए मैं कोई शहजादी लाऊंगी और जब शहजादी आएगी ना तो तू देखना अल्लाह तुझे महल भी दे देगा हाँ आप मेरी छोड़िए आप इसके लिए कोई शहजादा ढूंढिए अम्मी एक बात बताओ सुबह पेपर है ना तुम्हारा और तुम यहाँ बैठ के टाइम जाया कर रही हो अच्छा बस ये आखिरी तस्वीर आप देख लीजिए इसके बाद में चली जाऊं प्लीज यार बस भी करो हर रोज एक नई लड़की की तस्वीर दिखाते हो तुम लोग मुझे जब कोई होगी तो मैं खुद बता दूंगा आपको इसका मतलब है अम्मी हम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं भाई तो लड़की ऑलरेडी पसंद कर चुके हैं अरे सुनिधन है बता मुझे कौन है वो अरे मुझे तो बता दे कोई नहीं है अम्मी जान ऐसे ही तंग कर रहा हूँ इसको और तुम जाकर ना अपने पेपर की तैयारी करो ये जो तुम सुबह अब्बू को कह रही थी ना अब्बू प्लीज दुआ कीजिएगा बहुत मुश्किल पेपर है दुआओं से पास नहीं होते मेहनत से पास होते हैं लॉग आउट करो दो मुझे मुझे लग रहा है तेरे अब्बा जा जाके दरवाजा खोल अरमान अरे देख बेटा अगर कोई है ना लड़की तो देख अपनी माँ को जरूर बता देना है अम्मी जान कोई भी नहीं है और वैसे भी मैं पहले प्रॉपर सेटल हो जाऊं फिर इस बारे में कुछ सोचूंगा ना अब्बू जी क्या हुआ है हा? क्या हुआ पूरा पसीने में नहा रहे हैं आप हाँ वो गर्मी बहुत है ना लगता है किसी ने बाल्टी भर के पानी डाल दिया आपके ऊपर अबू जी हाँ वो तुम्हारा भाई कहाँ है वो सामने बैठे हुए हैं
अंदर तो आए, तबीयत तो ठीक है ना आपकी, चले अंदर आए। तो आप खुद ढूंढा कीजिए ना, मैंने कब मना किया, पर मुझे मत दिखाया गया। ये क्या बात हुई भला? मम्मी बाद में बात करते हैं, आइए। अरे क्या हो गया, इस तरह से आके गुमसुम बैठे हो, खैरियत तो है ना? आखिर बुलाया क्यों था उसने? जरूरी काम था। लो भला बताओ जरूरी काम था? अरे जरूरी काम था तो फोन कर लेती, भला इतनी दूर बुलाने की जरूरत क्या थी उस औरत को? चार पैसे क्या देती है, अपना गुलाम बना के रखा हुआ है आपको। पानी बाबूजी, आपका पसीना तो रुक ही नहीं रहा है, खिले साफ कर लें। अरे इतना भी एहसास नहीं उसको कि अब आपकी उम्र नहीं रही इस तरह के काम करने की? रात देखती है ना दिन, बच्चों की तरह से काम करवाती है आपसे भाग दौड़ करवा के। अरे मैं तो कहती हूँ कि कहीं हमारे अरमान का हाथ अटक जाए ना तो इस औरत से जान ही छूट जाए हमारी। अबूजी खाना लगाऊं? देती क्या है वो, है चार पैसे देती है, मुश्किल से इस घर की दाल रोटी चलती है उससे। तौबा। और आप चाहती हैं कि मैं शादी करूं? सो गए क्या? आपसे पूछ रही हूँ, लो कपड़े भी नहीं बदले ऐसे सो। अरमान, जी अबूजी, उठो उठो, जाग के वजू करो। क्या हुआ अबूजी, खैरियत? मैंने कहा ना जाके वजू करो। Thank you.
जो कुछ मैं तुमसे पूछूं उसका सच सच जवाब देना, क्योंकि अगर तुमने झूठ बोला तो इसकी बददुआ सारी उम्र तुम्हारे साथ रहेगी। जी बुजुर्ग, तुम्हारा और परीसा का क्या ताल्लुक है आपस में? क्या बात कर रहे हैं आप? साथ वापस रखो, वापस रखो। ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है हमारा। जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। आपकी मैडम की बेटी है बस, और क्या ताल्लुक हो सकता है? तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। कौन सा ताल्लुक होगा उसका और मेरा? वही ताल्लुक जो एक मर्द और औरत का ताल्लुक होता है। क्या बातें कर रहे हैं? जी मैं नहीं बोल रहा, वो बोल रहा। तुम एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। कर रही हैं आप ये? बैठो। मैडम जी, ये वही बात कर रहा है जो उस दिन मैंने आपसे कही है। इतने सालों में सिर्फ दो दफा ये फूलों पे स्प्रे करने के लिए आया, वरना जब भी इस घर में आया मेरे साथ आया, ईद मिलने या सलाम करने, या फिर उस दिन हम लोग आए यहां पर जॉब के सिलसिले में। इसके अलावा ना कोई कांटेक्ट, ना कोई ताल्लुक। मैडम जी, आप खुद इससे कुरान पर हाथ रखवा के कसम उठवा लीजिए। फोन नंबर बताओ अपना। इंटरनेट पर कितने अकाउंट हैं तुम्हारे? फेसबुक और हॉटमेल में। पासवर्ड? पासवर्ड मैम, इट्स वेरी पर्सनल आई थिंक। जो मेरे साथ हो रहा है वो पर्सनल नहीं है क्या? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। तो फिर बताओ मुझे, ये मेरी इज्जत का मामला है। वो जिस तरह चाहती हैं, मुतमईन करो उन्हें। महमूद अल हसन। परीसा बीबी, आपको मैडम बुला रही है। ये तो कुछ और ही कह रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा आपने ये बात क्यों की। मैंने कब आपसे कोई ताल्लुक रखने की कोशिश की? आज तक फिफ्थ क्लास में था शायद जब आखिरी बार यहां पे आया था। उसके बाद जब भी आया हूं अब्बू के साथ आया हूं मैं।
आखिरी बार भी शायद मैं संडे को आया था आपके पास, वो भी 6 साल बाद। अभी आपसे कोई रब्ता नहीं किया। के बाद भी मैं सिर्फ स्प्रे करने के लिए आया था, वो भी आपके कहने। परसों आया था और बस कल एक बार। आप प्लीज प्लीज इनको क्लियर कर दीजिए कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपसे कभी कोई रابطہ नहीं किया, हमारे बीच कोई ताल्लुक नहीं। प्लीज क्यों डर रहे हो अरमान? किस चीज से डर रहे हो, मेरी मां से या अपने बाप से? बातें कर रही हैं आप? जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो और क्या चाहिए तुम्हें? जब बात खुली गई है तो फेस करो इसे मेरी तरह। तुम्हें क्या लगता है मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है? नहीं, नहीं। अबू जी ये अपनी तरफ से बोल रही हैं। मैंने ऐसा कब कहा है आपको? कुछ आप क्यों कर रही हैं इसे? इसने कलाम पाक पे हाथ रखा है, आप भी रखेंगे? नहीं, मैं इसकी तरह झूठी कसमें नहीं खाती। आपको इसकी बातों का यकीन करना तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ठीक है अरमान, तुम इन लोगों को सैटिस्फाई करने के लिए जो चाहे बोल दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। I love you. That's true. तुम अपने बाप की पसंद से जहां चाहे शादी करोगे, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। ऐसे गाया करती थी बचपन में नॉन स्टॉप। अच्छा वो वाला सुना जो मुस्लिम गा रहे थे? बात करनी है मुझे आपसे। अब क्या बात करनी है, सब खत्म हो गए बात करने को। क्यों कर रही हैं आप ये सब कुछ? वो लोग नहीं जानते लेकिन हम दोनों तो जानते हैं ना कि सच क्या है। ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच। तो ये सारी एनर्जी मुझ पे क्यों लगा रहे हो? जा उन्हें जाके यकीन दिलाओ, कसमें खाओ। और क्योंकि यही सच है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। तो फिर ऐसा सोचो अरमान, क्योंकि मैं ऐसे सोच रहा हूँ। तुमसे प्यार करते हैं। मेरे ख्याल में परीसा को कोई नफ्सियाती मसला है जो वो ऐसा कह रही है। ये भी हो सकता है। मैडम मैं अरमान को अच्छी तरह जानता हूं, उसकी एक एक चीज पर नजर है मेरी। वो इस तरह की चीजों से बहुत दूर रहता है, अपनी पढ़ाई और करियर पर नजर है उसकी। मैंने अपने घर से भी ज्यादा इस घर की इज्जत और एहतराम किया है और यही बात मैंने अपने घर वालों को भी सिखाई है। मैडम जी आप इस तरफ से बेफिक्र रहें। मुझे नहीं पता आप ये सब क्यों कर रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन खुदा के लिए मुझे इस सब में मत घसीटिए। मैं अफोर्ड नहीं करता ये सब। आप जानती हैं मेरे अब्बू आप सबकी कितनी इज्जत करते हैं, बेटी की तरह समझते हैं वो आपको। आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं है उनकी कल क्या हालत थी। उन्होंने सिर्फ कसमें नहीं उठाई, हाथ जोड़े हैं मेरे। प्लीज
प्लीज उनको ये सब कुछ क्लियर कर दीजिए। उनको इतना अपसेट कभी नहीं देखा। I'm so sorry. मैंने उन्हें इतनी तकलीफ पहुंचाई। सिर्फ मेरे अब्बू नहीं, आपकी अम्मी भी बहुत परेशान है। खुदा के लिए उनको ये जाकर क्लियर कर दीजिए कि ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में। क्या क्लियर करो? कि तुम उसे प्यार नहीं करते? या ये कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? कॉपी करने में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। परीसा शहनाज नहीं बन सकती, अरमान आफताब नहीं बन सकता। अरे उसकी शादी से आपकी नौकरी का ताल्लुक है क्या? है, क्योंकि तुम्हारे बेटे के ताल्लुकात बन गए हैं उनकी बेटी के साथ। झूठा कुरान उठाने का मतलब समझते हो? आप क्या समझ रहे हैं बुजी? मैंने जो कुछ देखा है उसके बाद मुझे कुछ समझने की जरूरत है? वो सब कुछ उनकी तरफ से हुआ। बंद करो बकवास। खुदा की कसम बुजी, मैंने बस कर दो झूठी कसमें खानी। वो तुमसे ताल्लुक रखने का सोच भी नहीं सकते। क्या मैं ऐसा कुछ सोच सकता हूँ? तो क्या किसी तीसरे के कहने पे जाके उसको गले लगाया था? मैं तो उनसे सिर्फ ये पूछने गया था कि वो ये सब क्यों कर रही हैं बुद्धि। ऐसा कुछ है भी नहीं हमारे बीच। ये सब कुछ उनकी तरफ से हुआ था। वो अचानक जितना धो कर आए थे उससे कहीं ज्यादा गंदा हो गया। ये किसी चीज से धुलने वाला भी नहीं। इस बदबخت क्या नजर आया उस लड़के में? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? क्या ख्वाब दिखाए उसने तुम्हें? क्या लारे दिए? उसने क्या ख्वाब दिखाना है मुझे? हाँ, ख्वाब तो वो खुद देख रहा होगा ना? उसका मुझे नहीं पता। तुम्हें तो अपना भी नहीं पता परीसा, इसीलिए तुम इस गंद में गिर रही हो। गंद? तो ग्राफ को मेरा ताल्लुक गंदा लग रहा है ना? I'm sorry to say. लेकिन आप अपने और पापा के रिलेशनशिप को भी गंदा कह रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? पापा के स्टेटस पे तो यही था ना, एक मामूली से अकाउंटेंट थे आपके फादर के लिए। तुम अपने बाप को उस दो टके की लड़की के साथ मिला रही हो? तुम्हारे बाप ने तुम्हारे नाना का पूरा बिजनेस संभाला था। तो वो भी तो हार्ड वर्किंग और ओबीडिएंट है, उसे भी काम पे रख ली। तो मैं उसे मुलाजमत दे देती हूँ। तुम शादी तो ना करो उससे। तो रख लेना उससे मेरी मुलाजमत पे। तो तुम्हें एक मुलाजिम चाहिए सारी जिंदगी के लिए। मेरी शादी एक कॉम्प्रोमाइज थी, मजबूरी थी मेरी। मेरे पास चॉइस नहीं थी, वरना मैं कभी आफताब से शादी ना करती। शायद मेरी भी कोई मजबूरी हो। क्या मजबूरी है तुम्हारी? मैं अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रही, मुझे उसकी जरूरत है। मुझे कॉपी करने में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। परीसा शहनाज नहीं बन सकती, अरमान आफताब नहीं बन सकता।
तुम्हें अपनी जिंदगी अपने तौर पे गुजारनी है, अपने तौर पे। वही कर रही हूँ। नहीं स्वीटहार्ट, तुम मेरी लाइफ को आइडियलाइज कर रही हो। ट्रस्ट मी मामा, मुझे आप जैसी जिंदगी एक दिन भी नहीं चाहिए। अरे बहुत जल्दी आ गया आजाद। हाँ मैडम की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। अरे फजूल में आप अपने बेटे को अपने साथ लेकर गए, उन्होंने क्या खाक बात की होगी। ये जो बड़े लोग होते हैं ना, इन्हें नजला जुकाम भी हो जाए ना तो बिस्तर पे लेट जाते हैं बेड रेस्ट के लिए। एक दो जगह बात की है, देखो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे आप सर खपाते आए ना, वो यही चाहती है कि मेरा बेटा भी इसी तरह से सर खपाता रहे, गुलामी करे उनकी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी ना सरकारी नौकरी हो जाए। अरे तरक्की भी है उसमें और पैसा भी और इज्जत भी मिलती है। वैसे रह कहाँ गया आपका बेटा? निकला तो मेरे साथ ही था, कहीं दोस्तों में रह गया होगा। अच्छा मैसेज कर दें आप उसको, खाना खा ले और आप भी मुंह हाथ धो के खाना खा ले, तैयार है खाना। तुम खाना माना छोड़ो, ये बताओ कि तुम और सुंबल इसके लिए लड़कियां देख रही थी, क्या हुआ उसका? ले, अरे हमने थोड़ी कुछ करना है, उसने लड़की पसंद करनी है, हम तो बस तस्वीरें देख के दिल खुश करते रहते हैं। तुम उसे छोड़ो, तुम खुद ही कोई लड़की देख लो और फैसला करो। तो कर दो ना उसी लड़के से उसकी शादी। देखो मैंने भी बहुत रेजिस्ट किया बंटी के केस में, करना वही पड़ा जो वो चाहती थी। लेकिन ये हुआ कैसे, समझ तो आए, ये रिलेशनशिप डेवलप कब हुआ, लिंक क्या बना, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब बस इसी पर बैठ के रिसर्च करना है तुमने, डेवलप हो गया तो हो गया। इंटेंशंस क्या हैं ये पता चले, बातचीत कब हुई कैसे हुई ये पता चले, लेवल क्या है आखिर इस रिलेशनशिप का, कहां तक बातचीत पहुंची है, कहां से शुरू हुई कहां खत्म हुई, यार कुछ पता नहीं चल रहा। देखो यार आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, स्टूपिड। कोई तमीजदार लड़का अपनी मोहब्बत लिए उनके पीछे पीछे पड़ा रहता है, उनको बिल्कुल नजर नहीं आता। लेकिन कोई नॉनसेंस सा लड़का उसके इतने से इशारे पे फिसल जाती है। इमोशंस की तो गेम ही नहीं है, स्टाइल की गेम है। स्टाइल? उसमें कोई स्टाइल नहीं है यार। अब तुम्हारे और मेरे एज के स्टाइल तो अलग है ना, उनकी नजर से देखो। नहीं, वो मुझे कॉपी कर रही है मुझे, और यही समझ में आ रहा है मुझे। तुम्हें कॉपी कर रही है? उसकी फ्रेंड्स की इतनी लंबी लिस्ट होती, रोज के उसके कोई डिनर्स पार्टीज के टाइट स्केड्यूल होता, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हजारों फॉलोअर्स, और पॉलिटिशियन से लेके प्लेयर्स तक वो सबको जानती होती। उसके लिए एनर्जी चाहिए जो उसमें है नहीं। मेरे लाख घसीटने के बावजूद वो मेरे साथ नहीं चल सकी ना, उसने बस शादी करनी है तो मेरी तरह से। वो तुम्हें आइडलाइज नहीं करती, वो आइडलाइज करती है अपने बाप को, वो उस जैसा ही शौहर ढूंढ रही है। करे, लेकिन मैंने उसे बताया है ना, आफताब आज शहनाज की वजह से आफताब है, मैंने बनाया है उसे। आफताब से शादी मैंने इसलिए की थी कि उसमें मेरा फायदा था, मेरा अपर हैंड था। इसका तो सरासर नुकसान है, ये जहां रहेगी दबके ही रहेगी। यार समझाओ उसे। नहीं, तुम मुझे पहले उस लड़के से मिलवाओ, मैं भी देखूं वो मटेरियल क्या है। अरे तू कहां रह गया था अरमान? अरमान, अरे कहां था तू सारा दिन से? दोस्तों के पास बैठ गया था। अम्मा खाना गरम करा दूं तेरे लिए? नहीं भूख नहीं है। क्या हो गया तेरी भूख को और तेरे बाप की भूख को? हाँ वो भी सुबह से बस एक चाय का कप पीकर सो रहे हैं।
बाहर से खा लिया था। अरमान इधर आ जरा, यहाँ बैठ मेरे पास आके। अम्मा मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। अरमान है जरा, रुक जा, इधर इधर दिखा मुझे, है दिखा, दिखा मुझे, है? ये दिखा मुझे, मुंह खोल, मुंह खोल, दिखा मुझे क्या करके आया दोस्तों के साथ, दिखा मुझे। दिखा नहीं है ऐसा, कल रात भी नींद नहीं पूरी हुई, पढ़ता रहा, काम करता रहा, शायद इसलिए। अच्छा इसे तो बंद कर। अरे अब देखना तेरे अब्बा तुझे सुलिए में देखेंगे ना, तो जैसे मैं घबरा गई हूँ ना, अरे वो भी ऐसे परेशान हो जाएंगे। चल आजा, आजा मेरा बच्चा, आ आजा, आ आ इधर, यहाँ बैठ, इधर बैठ मेरे पास मेरा बच्चा, बैठ इधर। अरे तू दिल छोटा मत कर, मिल जाएगी तुझे मुलाजमत, अरे मिल जाएगी नौकरी। और एक बात बता मुझे, क्या ये मैडम ही रह गई है जो नौकरी दिलवाएगी? हाँ सुम्बुल जा भाई के लिए कप चाय लेकर आ, जा मेरा बच्चा। नहीं नहीं तुम पढ़ो बैठ के। नहीं भाई पी लें आप मेरे हाथ की चाय, बाद में पता नहीं आपको नसीब होना हो। क्यों इसका कोई रिश्ता आया है? मेरा नहीं आपका आया है। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई और मौजू नहीं है बकवास करने को? भाई अब तो ऊपर से भी ऑर्डर आ गए, अब कैसे बचेंगे आप? अरे अब तो तेरे अब्बा के बुजुर्गों ने भी कह दिया है कि जब तक तेरी शादी नहीं होगी ना तेरे लिए तरक्की के दर नहीं खुलेंगे। हाँ अरे कल की तो बात है, मैं तुझे नहीं कह रही थी भाई, जब लड़की का नाम लड़के के साथ जुड़ता है ना तो बस उसकी किस्मत खुल जाती है। भाई आपको पता है अब्बू जान को वही लड़की पसंद आई है जो मुझे आई थी। अरे तूने ही तो कहा था कि लड़की जो है वो आके घर संभाल ले, अरे वो तो नौकरी भी करती है। हाँ वो भी घर बैठे, आपको पता है वो वेब डिजाइनिंग करती है। तुम अपनी बकवास बंद करोगी? अरे ये सब कुछ तेरे लिए तो कर रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे ऐसी किस्मत जिसमें मुझे सर झुका के औरत के पीछे पीछे चलना पड़े। नहीं मुझे शादी नहीं कर, मैं आपको पहले भी कहा था जब मैं सेटल हो जाऊंगा तो मैं शादी कर लूंगा। अब क्या करूं मैं? हाँ अरे मैंने तो लड़की वालों को कह दिया कि इतवार को हमारे उनके घर लड़की देखने के लिए। ठीक आप लोग जाइए चाय पी के आ जाइए, आइंदा इस बारे में बात मत कीजिए। ये अरमान का क्या इशू है? मुझसे उसके बारे में काफी इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी, कहीं तुम दोनों का कोई चक्कर तो नहीं? बहन भाइयों के बीच में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए सलमान। अच्छा तो बहन ऐसी बात कर सकती, भाई नहीं कर सकता? तुमने तो एक छोटी सी बच्ची का स्कैंडल मेरे दोस्त के साथ बना दिया था और अब खुद पर बात आ रही तो मुझे शटअप कॉल दे रही हो। मेरा कोई अफेयर नहीं है उसके साथ, वो मेरी शादी करना चाहते हैं, मैंने सिर्फ उन्हें अपनी पसंद बताई। तो तुम्हारी इस चॉइस की वजह से सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे यूनिवर्सिटी की इतनी सी फीस तक नहीं दे रहे। तो मैं क्या करूं, अपनी पसंद बदल दूं? मेरे लिए नहीं लेकिन अपने लिए बदल दो प्लीज। क्यों क्या खराबी है उसमें? पता नहीं बस वो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए क्योंकि उसके पास कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है, या उसके घर में हमेशा पार्टीज नहीं हो रही होती, या इसलिए कि वो शीशा पी के लड़के पे रिमार्क्स नहीं मारता, या फिर इसलिए कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है जिसको लेकर वो तुम्हारे साथ डिस्को में जा सके। ओह तो आपका हीरो एक शरीफ ईमानदार और एक सेल्फ मेड और वो क्या कहते हैं खुददार लड़का। मैं आज ही उसका रिकॉर्ड निकलवाता हूँ। बिहेव योरसेल्फ सलमान, जब उसकी डिटेल आएगी ना तो मैं तुम्हारे आगे रखूंगा, फिर तुम्हें पता लगेगा वो कैसा है। जब डिटेल आएगी ना तो मम्मा को देना ताकि तुम्हारी फीस रिलीज हो सके, क्योंकि मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। ओके
अरे क्या बात है, आज ऑफिस नहीं जाएंगे क्या आप? नहीं, मैंने 2-4 दिन की छुट्टी और ले ली। इसकी बात पक्की कर लूं फिर जाऊंगा। अरे ये क्या इतना जरूरी है, कल से आप इसी बात को लेके बैठे हैं। हाँ इतना ही जरूरी है, उसकी शादी करवाना बहुत जरूरी है। अरे शादियां इतनी जल्दी में नहीं होती हैं महमूद साहब, पूरी जिंदगी का मसला होता है। और ऐसा ना हो कि कहीं हम ये रिस्क की कुशादगी और किस्मत के चक्कर में कोई ऐसी लड़की उठाकर ले आए कि हमारे बेटे की तो किस्मत खुल जाए लेकिन हमारी खराब हो जाए। यूं रातों रात बैठे हुए तुम्हें उसकी बुराइयां नजर आने लग गई, जिस लड़की की कल तक तुम तारीफें करते थकती नहीं थी। अरे बुराई लड़की में नहीं है, मसला तो हमारे बेटे का है। क्या कहता है वो, उसे कोई और पसंद है? अरे भाई कोई और पसंद नहीं आई है, बस नहीं करनी उसे शादी अभी। उससे पूछने की जरूरत नहीं है। कैसी बातें करते हैं आप, हाँ आजकल के जमाने में अरे बेटियों की शादी कोई बगैर पूछे नहीं करता है और आप चले बेटे की शादी करने। हाँ अरे मैं तो कहती हूँ कि आप ऐसा करें कि जाके ना अपने बुजुर्ग से कोई तावीज लेकर आ जाए, अरे शायद उसके बाद वो हाँ कर दे, ऐसे नहीं मानने वाला। इतवार का दिन फिक्स हो गया ना वहां जाने का। अरे पहले आप अपने बेटे को तो मना ले वरना मैं इनकार कर दूंगी। भाई जब उसके गले पड़ेगी तो खुद ही मान जाएगा। क्या? अरे उसके गले नहीं वो हमारे गले पड़ जाएगी। अरे बल्कि सबको छोड़ो वो तो हमारी बेटी के गले पड़ जाएगी। भाई मेरी बेटी के ससुराल का मामला है, हाँ खुदा ना खासा कल को कोई ऊंच नीच हो गई ना। ना 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 ना, ना तौबा तौबा, अरे मैं अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं कर सकती भाई, बस कह दिया मैंने आपको। देखो जुबैदा मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो जल्द से जल्द मैं उसकी शादी करवा दूं या फिर नौकरी छोड़ दूं और फिर इस उम्र में धक्के खाता फिरो। अरे उसकी शादी से आपकी नौकरी का ताल्लुक है क्या? है, क्योंकि तुम्हारे बेटे के ताल्लुकात बन गए हैं उनकी बेटी के साथ। सुना है हमारी बेटी आज कल बहुत गुस्से में। मामा हमेशा आपको मेरे बारे में मिस इन्फॉर्म करती है। तो इसका मतलब है कि जो कुछ मैंने सुना है सब गलत? यही कि मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है। खैर ये तो मुझसे कोई भी आके कहे तो मैं यकीन ना करूं। मैं जानता हूं कि मेरी बेटी आम लड़कियों की तरह ये अफेयर शफेयर के चक्कर में पढ़ ही नहीं सकती। ये बात अब मामा को समझाइए। तो ठीक है बेटा, लेकिन अरमान का नाम तो तुमने लिया है ना, किसी और ने आके तो मामा को नहीं बताया? मेरा अरमान के साथ अफेयर नहीं है पापा। ओके तो मेरा सोलमेट है, मुझे बचपन से जानता है, मेरा ख्याल रखता है, मुझे समझता है और मेरी रिस्पेक्ट भी करता है। मैं उसके अलावा किसी और के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकती। देखो बेटा ये जो शादी ब्याह के मामलात होते हैं ना जरा मुख्तलिफ होते हैं। शादी कोई फैंटेसी नहीं होती, बहुत बड़ी रियलिटी है और हमें अपनी जिंदगी को रियलिस्टिकली देखना होता है। रियलिस्टिकली कैसे आप लोग देखते हैं? मतलब स्टेटस? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ स्टेटस की बात नहीं है बेटा, ये जो शादी होती है ये दो फैमिलीज के बीच में ताल्लुक होता है और ये तो शायद इस्लाम में भी है कि अपने बराबर वालों में रिश्ता करो। आई नो, मैं जानती हूँ कि आपको इसका बहुत ही बेटर एक्सपीरियंस रहा है। आपसे शादी के बाद मामा ने आपको अपनी फैमिली से काट के ही रख दिया, अपने करीबी रिश्तेदारों से आप खुशी ना ही गम में मिल सके, बल्कि आपके पापा हॉस्पिटल पर आपका इंतजार करते रहे और आप उन्हें आखिरी दफा मिल भी नहीं सके।
क्योंकि I know, सिर्फ इसीलिए कि मामा को आपको अपनी ट्रिप पे लेके जाना था, क्योंकि मैं ऐसे नहीं, मामा ने आपसे कारोबार के लिए शादी की और मैं अपनी जात के लिए शादी करना चाह रही हूँ। मैंने कहा था ना तुम गुस्से में हो, तुम मान नहीं रही थी। मैं गुस्से में नहीं हूँ पापा, मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला गुस्से में नहीं कर सकती। तो क्या तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अकेले कर सकती हो? नहीं, अगर आपको स्टेटस की इस तरह की कोई और प्रॉब्लम है तो आप रहने ही दीजिए। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं उसके साथ घर छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन आज के बाद मेरी शादी का डिस्कशन इस घर में नहीं होगा, क्योंकि मैं अरमान के अलावा किसी के साथ शादी नहीं कर सकती। आपको पता ये रिश्ता नहीं हो सकता, फिर क्यों फोर्स कर रही हैं? मुझे तो कोई बचपन की मोहब्बत लगती है, हमारी लव स्टोरी का अंजाम अच्छा होने वाला नहीं है। अरमान के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ना ये तुमसे प्यार करता है, ना ये तुमसे शादी करना चाहता है। 10 साल की उम्र से सोचते आई, मैं सोच को नहीं निकाल सकती। आप उनके मुलाजिम है, गुलाम थोड़ी है। सब कुछ उठा के उसे देना जिसने इसी लालच में हमारी बेटी को फंसाया है। आप स्विमिंग पूल पर जाइए और वहां बैठ कर सोचिए कि ये रिश्ता क्यों नहीं हो सकता। मोहब्बत नहीं है, ये कुछ और है। वो रात अंधेरी जागे तारे या मैं जागूं।